Good morning, students. Myself, Digvijay Singh, Assistant Professor, G.K. Govani PG College, Bhinmal. In today's class, we are discussing about the third stanza of the beautiful poem written by Philip Larkin, Church Going. In the previous two stanzas, we are discussing about the basic ideology of Philip Larkin about the churches, and in these stanza, we are discussing about philosophical idea of Philip Larkin regarding the churches. And students, we start these lines. Yet stop I did, in fact I often do, and always, and much at a loss like this, wondering what to look for, wondering too when churches will fall completely out of use, what we shall turn them into, if we shall keep a few cathedral chronically on show, their parchment, plate, packs in locked cases, and let the rest rent free to rain and ship, shall we avoid them as unlucky places? Students, in this line, the poet changes his ideology to philosophical one. Yet stop I did means जो पॉइंट है वो वहाँ पर स्टॉप हुआ, रुका. और इन फैक्ट आई ऑफन डू, और ऑफन मीन्स रेगुलरली, ओकेजनली, वो कभी कभी चर्चेज में आके रुकता था. एंड ऑलवेज एंड मच एट लॉस लाइक दिस, एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस मीन्स अल्टीमेटली उसे लॉस फील होता था पॉइंट को. मीन्स हिज सर्च इज फ्यूटाइल, उसकी जो सर्च है वो फ्यूटाइल, मतलब वेस्टफुल हुई है, यूजलेस हुई है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा उसे प्राप्त नहीं हुआ जो वो पाना चाहता था. वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, और वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, वो किसके लिए देख रहा था, मतलब क्या देख रहा था, क्या ढूंढने आया था, मतलब जो चीज़ वो ढूंढना चाहता था, ढूंढने आया था, वो चीज़ उसे वहाँ नहीं मिली, ऐसा वो मानता है. मीन्स मेंटल पीस एंड द फिज़िकल, जैसे हम कह सकते हैं वेल्थ, यानी वैभव, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भगवान के पास कभी मांगने जाते हैं, शारीरिक सुख मांगने जाते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, हम लोग बहुत अच्छे से रहें, या हम लोग वैभव मांगते हैं भगवान से, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर पॉइंट को नहीं मिला. व्हेन चर्चेज विल फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़, और वो ये बात कहता है कि जब कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगे चर्चेज, क्योंकि आफ्टर द टू वर्ल्ड वॉर्स, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो डिसइंटीग्रेट हो गया था और रिलीजन के प्रति लोगों का मन घटा था. व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, और देखो व्हेन चर्चेज विल फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़, जब आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगे चर्च का, जब कोई यूज़ नहीं रहेगा, व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, और हमें उसे किस में टर्न करेंगे, मतलब कैसे उन्हें चेंज करेंगे. जैसे हम लोगों ने अभी हगिया सोफिया का प्रकरण देखा कि पहले वो एक कैथेड्रल था, उसके बाद एक म्यूज़ियम में चेंज हुआ, और अल्टीमेटली एक मॉस्क में चेंज हो गया. तो इसी तरह से कोई भी एक प्लेस है, उसकी यूटिलिटी ख़त्म होने के बाद वो कैसे चेंज होती है, वो सारी बातें यहाँ पर राइटर बताना चाहता है. व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स, और कैथेड्रल्स मीन्स ओल्ड चर्चेज, डिस्ट्रिक्ट चर्चेज, जो कैथेड्रल होते हैं, मतलब बड़े चर्चेज को कैथेड्रल कहते हैं, और जो बहुत अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, मतलब एक तरह से साइनोनियम्स है चर्चेस का. अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, क्रॉनिकली मीन्स उनकी एज के अनुसार, क्रॉनिकली ऑन शो मतलब कौन सा किस एज में रहा. जैसे हम लोग अभी से इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई 11वीं शताब्दी का है मंदिर, हैं 12वीं शताब्दी के हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. तो इसी तरह से वो ये कहना चाहता है कि जब उनका यूज़ ख़त्म हो जाएगा, तो वो कैथेड्रल्स को क्रॉनिकली ऑन शो, मतलब लोगों के को दिखाने के लिए, ऑन शो का मतलब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उनको एक तरह से म्यूज़ियम के अंदर चेंज कर दिया जाएगा. दियर पार्चमेंट, पार्चमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो हमारे पत्र होते थे, पत्थरों पे कुछ लिखा जाता था, उस तरह से पार्चमेंट होता है किसी की चमड़ी पर, चमर पत्र बोलते हैं जिनको, चमड़ी पर लिखने वाले लेख, जो उसके बारे में लिखा होगा कि कैथेड्रल अब बना था, उसमें ये बिशप्स रहे थे, इस राजा के काल में ये इसमें
सुधार हुए थे, ऐसे बहुत सारे पत्र होते हैं जैसे हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं इतिहास के एक स्रोत के रूप में। प्लेट, प्लेट मीन्स वही पूजा की जो थाली है जिसके अंदर घंटी है और जो पूजा की सामग्री होती है। क्रिश्चियनिटी में भी ये सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे हिंदू धर्म में पैक्स, पैक्स का मतलब यहाँ दो तरह का अर्थ किया जाता है कि एक तो ये भी है कि जिसमें कोई प्रसाद रखी जाती है ब्रेड वगैरह, या पैक्स का मतलब होता है चैरिटी बॉक्स जिसके अंदर लोग बाग चैरिटी का अपना कुछ पैसा डाल सकते हैं इन लॉक्ड केसेस। और वो लॉक्ड केसेस में जैसे म्यूजियम में कोई चीज़ें रखी रहती हैं लॉक्ड केसेस में, उस तरह से इसे लॉक्ड केसेस में रखा जाएगा। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री, और लेट द रेस्ट रेंट फ्री, रेंट फ्री मतलब उसे बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाएगा। रेंट फ्री मतलब किसी के लिए रेंट पे नहीं है वो, रेंट फ्री है मतलब फ्रीली उसको छोड़ दिया जाएगा कि नहीं चर्चेस को, टू रेन एंड शिप बरसात के लिए और शिप्स के लिए। मीन्स इसका कोई रेस्टोरेशन नहीं होगा, कोई उसकी व्यवस्थाएं नहीं करने वाला नहीं होगा, कोई सफाई करने वाला नहीं होगा, वो खुली जगह होगी जहाँ पर बरसात गिरती रहेगी और शिप्स वहाँ पर रहा करेगी। शेल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेस, और शायद शेल हम लोग उसे अवॉइड करेंगे एक अनलकी प्लेस के रूप में। जैसे मान लो पुराने कोई मंदिर, पुराने कोई जो किले थे, कोई रहने की गुफाएं थी, उन लोगों को हम लोगों ने क्या करा, भूता घोषित कर दिया, या भूतिया मकान किसी को घोषित कर देते हैं, तो इस तरह से उसे शायद हम लोग एक अनलकी प्लेस के रूप में छोड़ देंगे। ये वाली बात यहाँ पे पॉइंट कहता है। तो स्टार्टिंग थ्री स्टैंजाज में हमने देखा कि टू स्टैंजाज में पॉइंट कैसे चर्च में गया और उसने क्या फील किया, और थर्ड स्टैंजा से वो अपनी फीलिंग्स अपने रीडर्स को बता रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बच्चों आप लोग बहुत गहराई से देखें और मॉडर्न पोइट्री के अंदर जो बेसिक फीलिंग्स छुपी हुई हैं उन्हें महसूस करने की कोशिश करें। कि बहुत सारे ऐसी बुक्स भी लिखी गई थी जिसके बारे में मतलब गॉड और रिलीजन पर लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, तो राइटर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब इसमें देखते हैं कि राइटर हमेशा पैसिमिस्टिक ही रहता है, पॉइंट के ऑप्टिमिस्टिक भी होता है, ये सारी चीज़ें हमें आगे की स्टैंजाज में देखने को मिलेगा। देन यू रीड दिस स्टैंजा केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। थैंक यू स्टूडेंट्स।